हिंदू धर्म में सूर्य देवता से जुड़े कई ऐसे प्रमुख त्यौहार मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इन्हीं प्रमुख त्यौहारों में से एक है मकर संक्रांति का पर्व। बता दें आप लोगों को कि पौष मास में जब भगवान सूर्य उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य की संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो हर साल ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ गणनाओं में परिवर्तन होने की वजह से अब ये पर्व 15 जनवरी को मनाया जाता है। बता दें आप लोगों को, आज हम आप लोगों को अपनी इस रिपोर्ट में मकर संक्रांति का महत्व बताने जा रहे हैं। शास्त्रों के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से स्नान, ध्यान और दान का विशेष महत्व है। ऐसा बताया गया है कि मकर संक्रांति जो है वो देवताओं का दिन है, इसीलिए इस दिन दान पुण्य जरूर करना चाहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि मकर संक्रांति को लेकर एक पौराणिक कथा इस प्रकार से भी है कि श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के मुताबिक शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि सूर्य देव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर सूर्यदेव ने संज्ञा और उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज काफी दुखी हो उठे। यमराज ने सूर्य को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए कठोर तपस्या करी, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे ही जला दिया। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में जब सब कुछ जला हुआ था तो उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देव की पूजा की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने शनि को आशीर्वाद दिया और शनि का दूसरा घर मकर राशि में आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव फिर से प्राप्त हुआ था, इसीलिए शनि देव को तिल बेहद प्रिय है और इसीलिए मकर संक्रांति पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।